नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लड़के रिलेशनशिप में लड़कियों से बस इतना चाहते हैं, हम लड़कियां को ज्यादा सोच लेते हैं कि पता नहीं हमारा पार्टनर हमसे क्या क्या चाहता होगा, लेकिन नहीं, लड़के हमसे ना रिलेशनशिप में बस और बस और बस इतना चाहते हैं। अगर हमने इतना भी कर लिया ना, रिलेशनशिप एकदम ठाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है लड़कियों? ओके, लड़के ये चाहते हैं कि हम ना उन्हें समझें पर ओवर भी ना समझें। कई बार क्या होता है ना, हम लड़कियों की ये प्रॉब्लम है, हम ओवर समझ लेते हैं, हम हर चीज ओवर समझेंगे। अगर वो बिजी है ना तो हम ओवर ही समझेंगे। अब पता नहीं कौन सी बुद्धि और कौन सा दिमाग लड़ा लड़ा के उसके दिमाग की दही कर देंगे बोल बोल के। लड़के ये नहीं चाहते, ये तो एक्चुअली कोई भी नहीं चाहता। ठीक है, तो उतना ही समझें जितना समझना सीरियसली जरूरी है। ठीक है, तो जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आपको दिखाया जा रहा है और जितना एक्चुअली है, अपना दिमाग लगा करके बहुत नेगेटिव सोच लेना भी उनको ऐसे फील करवाता है कि सच में वो ऐसे हैं। ठीक है, तो हम उन्हें समझें। दूसरी चीज, हम उन्हें इमोशनली भी समझें। ये तो हो गया काम, ये तो हो गए टाइम वाली चीजें, जहां पर हम लड़कियां ऐसे दिमाग लड़ाना शुरू करती हैं। अगर वो बिजी है ना, नहीं बात कर पा रहे ना, तो हम कौन से लेवल पे जाके नहीं सोच सकते, सोच ही लेंगे, तो ये गलत होता है। दूसरी चीज, इमोशनल उनकी चाह होती है कि ना, जो लड़कियां होती है ना, वो हमें इमोशनली समझें, अंडरस्टैंड करें। लड़के भी टूटते हैं, उन्हें भी दुख लगता है, उनके फेलियर के जो झटके होते हैं वो हमसे कहीं ज्यादा लग रहे होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही सोसाइटी के इस प्रेशर में पल बढ़ रहे होते हैं। तुझे करना है, तुझे करके दिखाना है, देख उसके बेटे का हो गया, देख उसके बच्चे का हो गया, देख इसका हो गया, देख वो कमा रहा है, देख वो ये कर रहा है, वो उसी में रहते हैं। और इसमें जब उनको फेलियर मिलता है ना, तो बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उनकी पार्टनर समझे, क्योंकि बहुत बार घर वाले ये वाली बात नहीं समझ रहे होते। घर वाले कंपेयर कर रहे होते हैं, घर वाले ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि उनके घर वाले नेगेटिव हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े और वो चाहते हैं कि उनका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो, वो चाहते हैं कि उनका भी बच्चा कुछ करे, लेकिन नेगेटिव सेंस नहीं है इस बात का। इस बात का ये है कि पार्टनर अगर है ना लाइफ में, तो ठीक है, होता है, फेलियर मिलने वाले हैं, लेकिन अब इस बात पर परेशान होने की और दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम दोबारा से चलते हैं, हम दोबारा से खड़े होते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनली समझने वाली पार्टनर को ना लड़के बहुत पसंद करते हैं, और वो बिल्कुल चाहते हैं कि जो लड़कियां होती है ना, वो उन्हें समझें, थोड़ा समझ लें। ठीक है, हम लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर हम उनसे फिजिकल हो गए ना, तो ये यही चाहते हैं। नहीं, सब लड़के ऐसे नहीं होते। नहीं 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 नहीं, होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते। और लड़कों की जो फिजिकल वो है डिज़ायर्स, वो हम लड़कियों से ऑब्वियसली अलग भी है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर उनकी पार्टनर कंट्रोल करके चलती है और उनके अंदर उस लड़की को लेके प्यार है ना, तो वो बिल्कुल ये इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे रिस्पेक्ट करने वाली लड़की को भी लड़के बहुत पसंद करते हैं। जैसे अगर लड़के की फिजिकल डिज़ायर है और वो चाह रहा है, और लड़की कह रही है कि नहीं वो नहीं चाह रही है, लेकिन वो उस चीज़ के लेकर के अपने पार्टनर को प्यार से कन्विंस कर लेती है, और पार्टनर भी प्यार से कन्विंस हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रू लव है, और ये प्यार वाले लड़के भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर लड़का कहीं पर शाय है, लड़का कुछ बातों को अपनी पार्टनर के सामने नहीं रख पाता, लड़का पब्लिक प्लेस में अपनी कुछ बातों को नहीं रख पाता, तो ये वाली जो शायनेस है, ये वाले जो उसकी चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर के, इस चीज़ को भी अगर उसकी पार्टनर समझती है ना, तो ये लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत पसंद आता है कि मेरी ये एक कमी है जिस चीज़ से मैं जूझता हूँ लोगों के बीच में जा करके, जिस चीज़ से कई बार मैं खुद से भी शर्मा जाता हूँ, जिस चीज़ को मुझे बोलने में ऐसा लगता है कि यार दूसरे लड़के तो फटफट फटफट यही चीज़ कर जाते हैं, मैं करने में शर्माता हूँ, लेकिन मेरी पार्टनर इस बात को अंडरस्टैंड करती है, ये रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा होता है। ठीक है, लड़कियों का ना जो इमोशनल सपोर्ट होता है और मेंटल सपोर्ट होता है ना, वो किसी भी रिलेशनशिप को ना लड़के के माइंड के अंदर वो छाप छोड़ करके जाता है ना, जो कभी भी कोई लड़का निकाल नहीं पाता है। तो फिजिकल होने से ज़्यादा या फिर
दूसरे और चीजों को ज्यादा महत्व देने से, अगर हम इन चीजों का महत्व देते हैं ना, तो ये लड़के को किसी और ही लेवल पर हमारे रिलेशनशिप के साथ में बॉन्ड में बांधने के काम आ रहा होता है, और ये हम लड़कियों को जरूर समझना चाहिए। लड़के को इमोशनल सपोर्ट हमारा चाहिए होता है, मेंटल सपोर्ट हमारा चाहिए होता है, और कहीं पर भी अगर वो डाउन जा रहा है, जहां पर वो जानता है अंदर ही अंदर कि वो डाउन है, ऐसे इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि वो बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया, वो नहीं जानता कि वो कहां डाउन जा रहा है, सबको पता होता है। लेकिन अगर उसको कोई सपोर्ट करने वाला साथ ही मिल जाए तो फिर मजे आ जाते हैं। तो ऐसे चाहते हैं लड़के लड़कियों को, और ऐसी लड़कियां उन्हें अच्छी लगती हैं। लड़कियां बात बात पे पैसे, गिफ्ट और चीज़ें ना मांगें, ऐसी लड़कियां लड़कों को सच में अच्छी लगती हैं। क्योंकि आजकल लड़कियों ने कुछ चीज़ों को ऐसा कर दिया है, कुछ लड़कियों ने, सब नहीं होती हैं ऐसी, बल्कि मैं तो कहूँगी मैक्सिमम ऐसी नहीं होती हैं, पर कुछ की वजह से वो होता है ना कि थोड़ी सी चीज़ की वजह से ज़्यादा सारी चीज़ को भी खराब मान लिया जाता है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। अगर आप हर बात पर गिफ्ट, हर बात पर पैसे, हर बात पर लेन देन, आप हर बात पर ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो ये भी एक लड़के के माइंड में बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ करके जाता है कि मेरी पार्टनर अच्छी है, अंडरस्टैंड करती है और चीज़ों को समझती है। ऑल द टाइम अवेलेबल रहना, ये किसी भी रिश्ते के लिए खतरनाक ही होता है, ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए ही मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की जो पार्टनर्स होती हैं ना, वो लड़कों को सचमुच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने पार्टनर के पेरेंट्स, अगर पार्टनर ने कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर भी की हुई हैं ना कि ऐसा है मेरी फैमिली में, या कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, अब उनकी कमियों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, उनकी फैमिली ने उनको कैसे पाला पोसा है, कितनी मेहनत करी है, कितनी चीज़ें करी हैं उनके साथ में, ये लड़कों के माइंड में एक अलग ही छाप छोड़ रहा होता है कि ठीक है यार, मैं अपने परिवार के लिए कितना भी नेगेटिव बोल जाता हूँ, कुछ भी बोल जाता हूँ, लेकिन ये अंडरस्टैंड करती है, ये समझती है, ये फिर भी पॉजिटिव बोलती है, और ये भी एक खूबसूरत छाप छोड़ करके जाता है लड़कियों के लिए, लड़कों के मन में। लॉयल होना, देखिए, हमारा लड़कों के साथ दोस्ती होना, या लड़के हमारे फ्रेंड्स होना, या लड़कों के साथ और भी हमारे अलग अलग भाई वाले रिश्ते भी होते हैं, फादर हैं हमारे, हमारे कजन्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना। लेकिन पार्टनर के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो बिल्कुल अलग रिश्ता होता है। लेकिन वैसा ही कुछ कुछ रिश्ता हम हर जगह पर ऐसे दिखा रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरे तो फ्रेंड्स भी, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो ऐसे करती हैं कि नहीं मेरे फ्रेंड्स की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी तुम्हारी वैल्यू है। देखिए, ये कहना ही गलत है अपने आप में। पार्टनर हमारा एक अलग है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसके साथ में लाइफ टाइम जाना है। फ्रेंड्स हैं हमारे, वो भी हमारे साथ लाइफ टाइम जाएंगे, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। पार्टनर के साथ भी एक लिमिट सेट होनी वैसे चाहिए, ये लिमिट तो बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि हम फिजिकली नहीं उतरेंगे एक ही फ्लोर पर। हम शादी के बाद, या फिर जब हमारे पूरी कमिटमेंट्स, फैमिलीज़ को लेकर के कमिटमेंट्स और यहाँ तक आ जाएंगी, क्योंकि ये एक लड़की के कैरेक्टर को बहुत ऊपर तक बिल्ड कर रहा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली बिल्ड कर रहा होता है। इवन फिजिकली तो मैं कहूँगी कि लड़कों के कैरेक्टर को भी बिल्ड कर रहा होता है। अगर कोई लड़का या लड़की किसी सामने वाले को बोल देना नहीं नहीं करना यार, मुझे तुमसे प्यार है पर मुझे ये नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला इंसान आपको प्यार करता है, सामने वाली इंसान आपको प्यार करती है, सिर्फ इस चीज की वजह से वो आपको छोड़ दे, बल्कि इज्जत बढ़ जाएगी, 100 गुना, 1,00,000 गुना इज्जत बढ़ जाएगी, अगर आप 1,00,000 बार इंसिस्ट करने के बाद में भी नहीं जाते हो तो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जहां पर हम समझ जाते हैं ना, वहां पर हम अपने पार्टनर के नजरों में एक अलग छवि बना पाते हैं, एक रिश्ते को अलग रूप दे पाते हैं, हम उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, रिश्ते के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, और लड़कों के दिमाग में लड़कियों की जो एक छवि बन गई है या बन रही है, उसे तोड़ने में कहीं ना कहीं हेल्प कर पाते हैं। और ये कोई नकली तोड़ना नहीं होता, ये असली तोड़ना होता है। हम वो कैरेक्टर बन रहे होते हैं उनकी नज़रों में, जो कि उनको समझ में आता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी तो मेरी लाइफ आगे जा करके सेट हो जाएगी। इंसल्ट मत कीजिए, आप पब्लिक प्लेस में कैसे हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। टॉक्सिक होते चले जा रहे हैं हम धीरे धीरे करके। अगर मैं फीमेल हूं, मैं ही सोचती हूँ नहीं, लड़का और लड़की सब कुछ बराबर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बराबर होने के बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ करके लेनी है।
हमें समझना है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ में चलना है, उसके करियर को भी सपोर्ट करना है, अपने करियर को भी सपोर्ट करवाना है, उसके कैरेक्टर को भी सपोर्ट करना है, अपने कैरेक्टर को भी सपोर्ट करवाना है, उसके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करवाना है, उसे सारा टाइम कुछ गिफ्ट्स और पैसे और चीज़ों के नाम पर उसको पीछे 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 नहीं दौड़ाना है, और ना ही मुझे अपने पार्टनर को ऐसा बनाना है कि बहुत सारी लड़कियां ये भी गलतियां करती हैं कि वो अपने पार्टनर को ना पैसे देती हैं, उनको ऐसा लगता है ये रिश्ता बच जाएगा। पैसे देने लेने जिससे रिश्ते बच जाते तो भैया तो क्या ही बात ही हो जाती। नहीं, फिर ये देन लेन पर ही टिक जाते हैं रिश्ते, और फिर सामने वाले को जितनी हमसे ज़रूरत होती है, हमें जितनी उससे ज़रूरत होती है, बस ना गेम ख़त्म। नहीं, आपके जो रिलेशंस होते हैं वो इमोशंस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, शरीर पर डिपेंड नहीं करते हैं, इमोशंस पर डिपेंड करते हैं, पैसे पे डिपेंड नहीं करते हैं, इमोशंस पर डिपेंड करते हैं, आपकी फीलिंग पे डिपेंड करते हैं, आपके टाइम पे डिपेंड करते हैं, आपके एक दूसरे के साथ निभाने पे डिपेंड करते हैं, आप पब्लिक प्लेस में एक दूसरे के साथ में कैसे हैं उस पे डिपेंड करते हैं, आप कितनी अपनी खुद की भी इज्जत सामने वाले के सामने रखते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं, कितनी सामने वाले की इज्जत करते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने लड़के को मना कर दिया ना कुछ चीज़ों के लिए तो ये हमें छोड़ देगा, ये भाग जाएगा। देखिए, अगर वो प्यार नहीं करता तो वो वैसे भी भाग ही जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो प्यार करता है और आपने मना कर दिया ना उसके लाख इंसिस्ट करने पे, पहली बात तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इंसिस्ट ही नहीं करेगा अगर प्यार करता है तो, ठीक है, लेकिन अगर मना कर दिया ना तो उस लड़की की इज्जत जो उस लड़के की नज़र में होती है ना वो किसी की हो ही नहीं सकती। ये हम लड़कियों को समझना चाहिए, और ऐसी लड़कियां लड़कों के दिलों पर राज करती हैं, छोड़ ही नहीं पाते लड़के ऐसी लड़कियों को। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हम सोसाइटी में, समाज में भी ऐसे रिश्तों को दे पाते हैं, आगे हम ऐसी छवि छोड़ पाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि नहीं, पूरी दुनिया में ना तो लड़के एक जैसे हैं ना लड़कियां एक जैसी हैं, हमने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं, तो उन रिश्तों में हमारा भी एक रिश्ता होता है। अपना अपना रखे ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।